अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब जो है अच्छे से होंगे। हम अपना जो है आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है असनाफ शायरी में से है। आज हम बात करेंगे हाइको के बारे में। हाइको जो है क्या है, एक कदीम हाइको जो है हाइको जो है क्या है हाइको जो है एक कदीम जापानी सिर्फ है, जापानी सिर्फ है। हाइको क्या है, हाइको जो है क्या है एक कदीम जापानी सिर्फ है, जिसमें जिसमें सिर्फ जिसमें जो है सिर्फ तीन मिसरे होते हैं, तीन मिसरे होते हैं। हाइको जो है क्या है एक कदीम जापानी सिनफ है, जिसमें जो है सिर्फ तीन मिसरे होते हैं। हाइको के लिए जो है एक शर्त है, हाइको के लिए शर्त ये है कि इसके जो है तीनों हाइको के लिए जो है शर्त ये है कि इसके जो है तीनों मिसरू हाइको के लिए शर्त ये है कि जो है इसके तीनों जो है मिसरों के जुमला तीनों मिसरों के जुमला अरकान कितने हो, 17 हो। एग्जाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरकान के हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। हाइको के लिए शर्त यह है कि इसके तीनों जो है मिस्रों के जुमला अरकान जो है कितने होने चाहिए, 17 होने चाहिए। या ये कहा जा सकता है कि या ये कहा जा सकता है कि हाइको की जो बनावट है, हाइको की बनावट पांच पांच सात और जो है पांच पांच सात और जो है पांच के वजन पर कायम होती है, कायम होती है। हाइको जो है इसके लिए क्या शर्त है कि इसके जो तीनों मिसरे होते हैं इनके जुमले जो है अरकान के जुमले जो है इनके अरकान जो है कितने होने चाहिए, 17 होने चाहिए। या ये भी कहा जा सकता है कि हाइको की जो बनावट है पांच सात और पांच के वजन पर कायम होती है। मिस्रों में पहला जो मिसरा है मिस्रों में पहला मिसरा मिस्रों में जो है पहला मिसरा पांच के वजन पर और दूसरा मिसरा जो है सात के वजन पर और तीसरा मिसरा जो है फिर से पांच के वजन पर क्या होता है, कायम होता है।
मिस्रों में जो पहला मिस्रा होता है 5 के वजन पर होता है, और दूसरा जो मिस्रा है कितने जो है, दूसरा जो मिस्रा है कितने वजन पर होता है? 7 के वजन पर, 7 के वजन पर। पहला मिस्रा 5 के वजन पर, और दूसरा मिस्रा 7 के वजन पर, और तीसरा मिस्रा तीसरा मिस्रा 5 के वजन पर, 5 के वजन पर कायम होता है। पहला मिसरा 5 के वजन पर, दूसरा मिसरा 7 के वजन पर, जो है तीसरा मिसरा 5 के वजन पर कायम होता है, जिसे हाइको के से हाइको के उरुजी हाइको के जो है जिसे क्या हाइको के उरुजी अरकान की मदद से समझा जा सकता है। मिस्रों में जो है पहला मिस्रा 5 के वजन पर, दूसरा मिस्रा 7 के वजन पर, और जो है तीसरा मिस्रा 5 के वजन पर कायम होता है, जिसे हाइको के उरुजी अरकान की मदद से जो है क्या समझा जाता है। तीन मिसरे होते हाइको में, जो है तीन मिसरे होते हैं, और अरकान जो है 7 अरकान होते हैं। हाइको में मौजूआत हाइको में मौजूआत हाइको में जो है मौजूआत की कोई कैद नहीं, कोई कैद नहीं। हाइको में जो है मौजूआत की कोई कैद नहीं है। हाइको में आमतौर पर हाइको में जो है आमतौर पर मनाजिर फितरत हाइको में जो है आमतौर पर जो है मनाजिर फितरत के मुशाहिदात मुशाहिदात व तजुर्बात मुशाहिदात व तजुर्बात नकल किए जा रहे हैं, नकल किए जाते रहे हैं। हाइको में जो है मौजूदात की कोई कैद नहीं होती है। हाइको में जो है आमतौर पर मनाजिर फितरत के मुशाहिदात व तजुर्बात नकल किए जाते रहे हैं। इसके बाद अब जो है उर्दू में क्या हाइको में कही जाने लगी है, हाइको में कही जाने लगी है। हाइको में आमतौर पर मनाजिर फितरत के मुशाहिदात व तजुर्बात नकल किए जाते रहे हैं। अब जो है उर्दू में हमदे और नाते भी जो है हाइको में कहे जाने लगे हैं।
जापानी हाइको की तरह जापानी जापानी हाइको की तरह उर्दू हाइको जापानी जो है हाइको की तरह उर्दू हाइको में भी उन्वानात कायम करने का उन्वानात जो है उर्दू हाइको में भी जो है उन्वानात कायम करने का रुझान आम है। कायम करने का जो है रुझान क्या है आम है किसमें उर्दू हाइको में भी जो है उन्वानात कायम करने का रुझान क्या है आम है। हाइको में जो है हाइको में बनावट हाइको में जो है बनावट यानी हयत जिसको हम कहते हैं हाइको में जो है बनावट यानी हयत के एतबार से पहचानी जाती है। जापानी हाइको की तरह जो है उर्दू हाइको में भी उन्वानत कायम करने का रुझान आम है। हाइको में जो है बनावट यानी हयात के एतबार से जो है पहचानी जाती है। हाइको जो है उन्वानत जो है इसके जो है हाइको में बनावट यानी जो है हयात के एतबार से जो है इसको पहचाना जाता है। हाइको को जो है पहले जापानी में क्या कहते जापानी में हाई काई हाइको को जो है पहले जापानी में हाई काई या हकोई हाई काई या हकोई कहा जाता था। हाइको को पहले जापानी में हाई काई या क्या कहा जाता था हकोई कहा जाता था। उर्दू में ये तिकोनी नज़मे जो है नज़मे यानी हाइको पहले सलासी सलासी हाइको जो है पहले सलासी या तसलियत तसलियस असली इसके नाम सलासियत असली इसके नाम से जाना जाता था। उर्दू में तिकोनी नज़मे यानी हाइको पहले जो है सलासी या तसलीस के नाम से जो है जाना जाता था। जापान में जो है हाइको का मौजूद कौन था जापान में हाइको का मौजूद कौन था जापान में जो है हाइको का मौजूद जापान में जो है हाइको का मौजूद ताका हामा कोशी ताका हामा कोशी
हामा कोशी जो है जापान, जापान में जो है हाइको का मस्जिद कौन है, ताका हामा कोशी को जो है माना जाता था, माना जाता था। जापान में हाइको का मस्जिद किसको माना जाता है, ताका हामा कोशी को जो है जापान का मस्जिद, जापान में हाइको का मस्जिद ताका हामा कोशी को जो है माना जाता है। उसके बाद जापान में, उसके बाद जो है सॉरी, उर्दू शायरी में, उर्दू शायरी में जो है हाइको का मौजद, हाइको का मौजद उर्दू शायरी में हाइको का मौजद नादिम बलखी, नादिम बलखी। उर्दू शायरी में जो है हाइको का मौजद किसको माना जाता है, नादिम बलखी को जो है माना जाता है। उर्दू शायरी में हाइको का मौजद नादिम बलखी को माना जाता है, और जापान में हाइको का मौजद किसको माना जाता है, ताका हामा कोशी को। इसके बाद हाइको के जो है अहम शायर, हाइको के जो है अहम शायर कौन कौन थे, हाइको के अहम शायर नादिम बलखी, नादिम बलखी, करामत अली करामत, करामत अली करामत, नादिम बलखी, करामत अली करामत। और जो है मनाजिर, मनाजिर आशिक हरगानवी, मनाजिर आशिक हरगानवी जो है, और भी जो है कई सारे सहेल गाजीपुरी, सहेल गाजीपुरी, नसीर अहमद नासिर, नसीर अहमद नासिर वगैरह जो है क्या थे हाइको के अहम शायर। हाइको के जो है अहम शायर, शायर है जापानी शायरी की सिनफ, जापानी शायरी की सिनफ, जापानी शायरी की सिनफ हाइको से, हाइको से उर्दू अदब, हाइको से जो है उर्दू अदब को सबसे पहले, जापानी शायरी की सिनफ जो है हाइको से उर्दू अदब को सबसे पहले जो है शाहिद अहमद दहलवी, शाहिद अहमद दहलवी, शाहिद अहमद दहलवी ने जो है अपने रिसाला साकी, इनका जो रिसाला था क्या नाम था उसका, साकी, शाहिद अहमद दहलवी ने अपने रिसाला साकी के जापानी, साकी, साकी जो है शाहिद अहमद दहलवी का जो है रिसाला है साकी के जापानी, जापानी अदब में जो है 1936 ईस्वी, 1936
1936 ईस्वी में जो है तारुफ कराया था, तारुफ कराया था जापानी शायरी की सिर्फ हाइको से उर्दू अदब को सबसे पहले जो है शाहिद अहमद दहलवी ने अपने अपना जो रिज्म का रिसाला था, साकी नाम था, साकी के जापानी अदब से जो है 1936 ईस्वी में जो है तारुफ कराया था।